नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, एक वीडियो मैंने बनाया था कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ नहीं रहना चाहिए। ये उसका पार्ट टू है। आइए जानते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, कंपलसरी बिल्कुल नहीं है जो मैंने कहा कि नहीं रहना चाहिए। आप बिल्कुल रह सकते हो, लेकिन अगर हालात बिगड़ रहे तो फिर बेटर है कि पेरेंट्स ही बच्चों को बोल दे, भाई तू अपना देख ले, अभी कमाता खाता है तो अपना बसेरा कहीं और कर ले, ताकि हम भी शांति से रहे और तुम भी शांति से रहो। बेस्ट फिल्म है अवतार, राजेश खन्ना वाली। दोस्तों, वो फिल्म बहुत इंस्पायर करती है आजकल के पेरेंट्स को, आजकल के यूथ। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, शादी के लायक हो जाता है, शादी हो जाती है, उसके बाद उसकी नज़र में माँ बाप की रिस्पेक्ट जो होती है ना, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। उसको लगता है उसके पास बहुत दिमाग है। फिर वाइफ आ जाती है, वाइफ का सपोर्ट मिलता है तो उसको लगता है वाइफ भगवान है। दोस्तों, ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये मैं देख चुका हूँ। बहुत सारे लोग बदल जाते हैं, माँ बाप ने कितना कष्ट करके उनको पाल पोस कर बड़ा किया, सब भूल जाते हैं। बीवी के प्यार में अंधे हो जाते हैं। सब लोग नहीं होते, एक 70% तो हो ही जाते हैं, 30% नहीं होते हैं। और बहुत सारा दुख अपने माँ बाप को देखते हैं। अभी हम इंस्टाग्राम पे मैंने एक वीडियो देखा, एक बेटा अपनी माँ को थप्पड़ मार रहा है। किसी ने उसका वीडियो बना लिया, वो भी भरे बाजार में। बच्चा अगर माँ पे हाथ उठाता है बीबी के सामने, या क्या इज्जत रह जाएगी माँ बाप की? माँ बाप सोचते हैं कि बच्चा बड़ा हो जाएगा तो मुझे पाल पोस कर अच्छा रखेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बच्चा अपना मन लेके पैदा हुआ है, वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आया है, वो थोड़ी ना तुम्हारी। और वैसे उस पर जिम्मेदारी उसकी बीबी की, उसके बच्चों की, तो अलग रहने दो, पता चलेगा। दाल रोटी का भाव पता चल जाएगा। जब ऐसे बच्चों को निकाल देना चाहिए, भाई तू अलग रहे, अलग कमा खा, पता चले, रूम का भाड़ा भरेगा तब पता चलेगा। इतना प्रॉब्लम है, इतनी आसानी से बच्चे पैदा तो कर लिए लेकिन बड़े नहीं होते, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो ऐसे नालायक बच्चों को तुरंत निकाल देना चाहिए, तभी उनको कदर होगी ना माँ बाप। मैं यहाँ पे ना माँ बाप को टारगेट कर रहा हूँ, ना ही बच्चों को टारगेट कर रहा हूँ। मैं टारगेट कर रहा हूँ वो सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। कभी कभी माँ बाप की भी गलती होती है। जब माँ बाप की गलती हो तो भी बच्चों को निकल जाना चाहिए खुद ही, ताकि वो भी शांति से रहे, सुख शांति से रहे, समाज में बदनामी ना हो, और वो भी भाई साहब अपनी शांति से लाइफ जी सके। सभी नालायक बच्चे नहीं होते, कुछ नालायक बच्चे होते। तो लाइफ का यही उसूल है दोस्तों, कि बुढ़ापे में तो कम से कम शांति वाला जीवन चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, उनको अलग रहने दो, उनको भी पता चले कि लाइफ में कितना स्ट्रगल है और कैसे हमने बड़ा किया। आप भी करके दिखाओ अपने बच्चों को, यही मैं कहना चाहता था। इस पर ही मैंने वीडियो बनाया था पहला, और ये पार्ट टू है। तो इसको ये बिल्कुल भी गलत वे में मत ले, ये दोनों के भले के लिए, माँ बाप के लिए भी अच्छा है, बच्चों के लिए भी अच्छा है। और कैसे कैसे वीडियो हम देखते हैं कि बहू जो होती है वो सास को चप्पल से मारती है, झाड़ू से मारती है, कैसे कैसे वीडियो हम देखते डर जाते हैं। क्या है, कैसा ज़माना आ गया। किसी को तो टेरिस पे से फेंक दिया, ऐसे भी वीडियो है, बेटे ने माँ को टेरिस पे से फेंक दिया, ऐसा भी बीच में न्यूज़ आया था 1-2 साल पहले। ये सब बहुत ही बुढ़ापा, इसलिए तो ओल्ड एज होम इसलिए तो बढ़ रहे हैं। तो इससे अच्छा है ना उसको अपने घर में रहने दो, तुम अलग हो जाओ, किसी की बद्दुआ मत दो बुढ़ापे में।
ये था आज का वीडियो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर। जय हिंद, धन्यवाद।